Good morning class 6. How are you all? I hope you all are well. This is your science period. Please check out your modern science and technology part 6 book. Now open page number 14. Today we are going to start our new chapter, chapter number 2 which is components of food. In the last chapter we have learned about food. Food. Kaha se The source of food. और हमने पढ़ा था कि हम किस तरह से उन्हें यूज़ करते हैं है ना टुडे वी आर गोइंग टू नो अबाउट ये फूड जो है वो बनते किससे हैं उनके कंपोनेंट क्या हैं सो इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट न्यूट्रिएंट्स की न्यूट्रिंट्स क्या होते हैं बैलेंस डाइट क्या होती है इम्पोर्टेंस ऑफ कुकिंग फूड क्या है डेफिशिएंसी डिजीज़ कौन कौन सी होती हैं ओके लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर इंट्रोडक्शन इन प्रीवियस चैप्टर वी प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ़ फूड आइटम्स दैट वी ईट एंड आइडेंटिफाई द फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री Our फूड आइटम our contains nutrients which इज़ एसेंशियल फॉर maintaining लाइफ एंड ग्रोथ लास्ट चैप्टर में हमने फूड की लिस्ट बनाई थी जो अलग अलग लोग खाते हैं ठीक है हमारे जो फूड होता है उसमें nutrients होते हैं जो कि हमारी लाइफ के लिए हमारी ग्रोथ के लिए important होते हैं

और ये कैसे कंपोनेंट होते हैं केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं ये इन एडिशन फूड कंटेंस डाइट्री फाइबर्स और रफेज एंड वाटर विच आर इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी और इसके अलावा हमारे जो डाइट्री फाइबर्स होते हैं रफेज होता है वाटर होते हैं है, ये भी हमारे बॉडी का बढ़ाने में उसकी ग्रोथ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फर्स्ट वन इज़ कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपोज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन आ वाइट वेराइटी ऑफ कॉम्बिनेशन सो कार्बोहाइड्रेट आपकी तीन चीजों से बनते हैं कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर बॉडी आर शुगर एंड स्टार्च और जो मेन कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं हम शुगर या स्टार्च लिवर एंड मसल्स आर द प्लेसेस ऑफ स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन अवर बॉडी और जो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में होता है वो स्टोर कहाँ होता है लिवर में और मसल्स में शुगरस आर ऑल्सो कॉल्ड सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स शुगर को भी हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं ओके एग्जाम्पल ग्लूकोज फ्रक्टोज माल्टोज ये सारे शुगर के फॉर्म हैं ग्लूकोज फ्रकटोज एंड माल्टोस दे आर स्वीट एंड ऑफन सोल्यूबल इन वाटर ये स्वीट होते हैं मीठे होते हैं और पानी में घुल सकते हैं स्टार्च आर ऑल्सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो स्टार्चेस होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एंड आर फॉर्म्ड फ्राम हंड्रेड ऑफ शुगर मॉलिक्यूल और ये बने होते हैं शुगर का एक मॉलिक्यूल से नहीं हंड्रेड मॉलिक्यूल्स यानी शुगर के हंड्रेड टाइम्स मॉलिक्यूल से दे डू नॉट टेस्ट स्वीट एंड आर इन्सॉल्यूबल इन वाटर और ये टेस्ट में स्वीट नहीं होते हैं और ये वाटर में इंसॉल्यूबल होता है ओके okay? जब आपने देखा होगा हम पानी को रखते हैं किसका पोटैटो का तो उसमें एक वाइट वाइट सा लेयर बचता है है ना क्योंकि वो वाटर में डिजॉल्व नहीं हो सकता है तो वो जो वाइट वाइट कलर का आपका पाउडरी सब्सटेंस दिखता है आपको वो होता है आपका स्टार्च शुगर हम पानी में घोलते हैं ठीक है हम ग्लूकोज ग्लूको ग्लूकॉन्डी आता है ना हमारा हम उसे पानी में घोलते हैं तो वो डिजॉल्व हो जाता है वो सोल्यूबल होता है वाटर में लेकिन ये जो स्टार्च होता है जो पोटैटो में मिलता है हमें वो इन्सॉल्यूबल होता है तो ये जो सोल्यूबल होते हैं ये आपके सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं और जो इंसॉल्यूबल होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स नेक्स्ट स्पीच इंपोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट की इंपॉर्टेंस क्या है कार्बोहाइड्रेट आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी हमारी बॉडी में जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होती है वो होता है हमारे कार्बोहाइड्रेट द एनर्जी इन फूड इज मेजर्ड इन कैलोरीज और जो हमारी एनर्जी होती है बॉडी में उसे हम किससे मेजर करते हैं कैसे नापते हैं कैलोरीज में किस में नापते हैं कैलोरीज में द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल डिपेंड्स अपॉन द एज क्लाइमेट सेक्स एंड ऑक्यूपेशन और जो अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी भी एक इंसान को चाहिए होती है वो डिपेंड करती है कि उसकी एज क्या है वो छोटा है बड़ा है क्लाइमेट क्या है वहाँ ठंडा ज़्यादा है गर्म ज़्यादा है सेक्स क्या है उसका इट्स मीन आप फीमेल है मेल है या ऑक्यूपेशन क्या है वो क्या काम करता है ठीक है अगर आप कोई ऐसा वर्क करते हो जिसमें आपका वर्कलोड बहुत ज़्यादा है जिसमें आपका स्टैमिना बहुत लगता है तो आपको कैलोरीज ज़्यादा लेनी पड़ेगी लेकिन अगर आप कोई ऐसा वर्क करते हो जैसे ऑफिस वाला वर्क करते हो जहाँ पे आपको एक जगह बैठना होता है तो आपको कैलोरीज कम लेनी चाहिए एज अगर आपकी एज छोटी है तो आप एक सर्टेन अमाउंट में लोगे ठीक है अगर आप यंग हो तो आप एक अच्छे अमाउंट में कैलोरीज दे सकते हो क्योंकि आप एक्टिव रहते हो इस टाइम ठीक है और जब आप पूरे हो जाते हो ओल्ड हो जाते हो तभी भी आपको कैलोरीज कम इनटेक करनी चाहिए क्लाइमेट जहाँ ठंडा है वहाँ पे आपको किस तरह का फूड लेना चाहिए किस तरह की कैलोरीज लेनी चाहिए और कहाँ पे आपको कैलोरीज नहीं लेना चाहिए क्योंकि अगर गर्म है तो स्वेट के साथ आपकी कैलोरीज बर्न हो सकती है लेकिन अगर आप ठंडे इन्वायरमेंट में रहते हो तो आपकी स्वेटिंग तो होगी नहीं यानी पसीना तो आपको आएगा नहीं तो इस वजह से आपकी कैलोरीज बर्न कम होगी सेक्स आप फीमेल हो मेल हो इससे भी फर्क पड़ता है आपकी बॉडी किस तरह से वर्क करती है उस अकॉर्डिंग भी आप कैलोरीज के इंटेक कर दो ओके द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर व्हीट राइस ज्वार बाजरा स्वीट पोटैटो पोटैटो बीट रूट कैरेट बनाना एप्पल चीकू शुगर शुगरकिंग जागरी हनी शुगर एक्सेट्रा सो so, जो कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं वो है आपके गेहूं में राइस में ज्वार में बाजरा में बाजरा स्वीट पोटैटो यानी जो आपकी शक्करकंदी होती है पोटैटो बीटरूट बीटरूट क्या होता है हमारे जो हम चुकंदर खाते हैं ठीक है कैरेट बनाना एप्पल चीकू शुगरग्रीन जागरी होती है आपकी गुड़ हनी शुगर एक्सेट्रा इन सब में आपको क्या मिलता है कार्बोहाइड्रेट मिलता है मोर टू नो सेलुलोज इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल यानी जो आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उसमें एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जिसे हम बोलते हैं सैलुलोज क्या बोलते हैं हम सेलुलोज इट इज़ नॉट डाइजेस्टेड इन अर सिस्टम ये हमारे जो सिस्टम है उसमें डाइजेस्ट नहीं हो पाता इट एक्ट्स एज अ फिलर रफेज एक फिलर की तरह यूज़ करते हैं हम जिसे हम बोलते हैं रफेज ओके okay? सो एक्टिविटी वन हेयर इज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ फूड आइटम अगर हमें किसी फूड में देखना है कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं तो हम कैसे उसे यूज कर सकते हैं मटीरियल रिक्वायर्ड फूड आइटम और रॉ इन इन्ग्रीडियंट आपको कोई फूड आइटम चाहिए होगा जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पोटैटो ले सकते हो पेट्री डिश एक डिश लेनी है आपको जिसमें आप रखोगे उसे डायल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन एंड ड्रॉपर डायलूट आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए आपको आयोडीन का सॉल्यूशन चाहिए होगा इसके लिए ठीक है तो आपको क्या करना है टेक अ स्मॉल पीस ऑफ फूड आइटम और रॉ इंग्रेडिएंट से पोटैटो इन अ पेट्री डिश आपको एक डिश लेनी है एक प्लेट लेनी है उसके ऊपर पोटैटो रखना है एड टू और थ्री ड्रॉप्स ऑफ डायल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द सरफेस और अगर आप इसमें दो बूंद आयोडीन की डालें, ठीक है आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन की विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर ऑब्जर्व द चेंजेस इन द कलर ऑफ द फूड आइटम और फिर आप देखना कि उसका जो कलर है वो चेंज हो गया वो किस कलर में चेंज हो जाएगा अब ब्लू ब्लैक अपीयर ऑन द सर्फेस ऑफ द फूड आइटम आप देखोगे पोटैटो के ऊपर ब्लू और ब्लैक कलर के स्पॉट्स आ रखे होंगे ओके सो दिस इज द टेस्ट ऑफ स्टार्च As we are not in school, so we can't perform this activity, but you should know how to do it. Okay? So, with this class end here, I hope you understand about carbohydrates. Okay? In our next class, we are going to start from here, which means we are going to talk about the second component of the food, which is fat. Okay? So, I hope you understand till here. If you have any query, you can ask me in the live class. With this a class end here. I will see you the next time. Till then, stay home, stay safe.